प्रदेशों में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने दादरी में पटाखे छोड़े, गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। इस दौरान कांग्रेसी ढोल नगाड़ों के बीच झूमे और मिठाइयां बांटी। साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि यह जीत लोकसभा चुनाव का ट्रेलर था। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब देश में मोदी का जादू खत्म हो गया है। जिन लोगों ने इस देश के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश करी, जहां राम मंदिर के नाम पर राजनीति की, जहां दलितों को पीटा गया, जहां किसानों को पीटा गया, इस प्रकार की एक गंदी राजनीति देश के अंदर चली, आज उसके खिलाफ आज इस देश की जनता ने फतवा जारी किया है और पांचों राज्यों में आज इस भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम किया है। और ये भाजपा पांचों राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है और आज ये एक ट्रेलर था। ये ट्रेलर भाजपा को आज हिंदुस्तान की जनता ने दिखाने का काम किया है। यही आज संदेश आज की जनता ने इस भाजपा सरकार के खिलाफ दिया है और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिया है। और भी राज्यों में चुनाव होने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिस प्रकार से आज एक जनादेश आज पांचों राज्यों ने, आज हिंदुस्तान के लोगों ने आज इस राज्यों के हिसाब से दिया है, अगले जो चुनाव हैं तमाम राज्यों के जो चुनाव होंगे उन राज्यों के अंदर भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। और भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ जश्न मनाने की तैयारी की। और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यश टीवी।